दोस्तों वेलकम टू ट्रिपल न्यूज चैनल। और अभी हमें राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जो अरावली पहाड़ियों के अंदर है और इसको बोलते हैं नारायणी माता का मंदिर। और नारायणी माता को अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सती हुई थी ये, और इनको जो शिव भगवान की पहली पत्नी थी सती, उनका अवतार माना जाता है। और इस मंदिर की काफ़ी बड़ी महानता है, जैसे कि आप मानते हो रामदेवरा राजस्थान काफ़ी बड़ा मंदिर है, उसकी बराबर इसको मानते हैं। और ये सैन समाज का भारत में एक ही मंदिर है, इकलौता मंदिर। और इसकी अगर मैं बोलूँ तो ये मंदिर मेरे सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मंदिर है। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ कहानी कथा। तो बोलते हैं कि जब नारायणी माता जब पहली बार इनकी शादी हुई थी, तो जब पहली बार या सेकेंड टाइम अपने पति के साथ जा रही थी तो इनको सांप ने डस लिया था। और उसके बाद में ये शिव भगवान की इन्होंने बहुत पूजा की, और उसके बाद में मानते हैं कि शिव भगवान को इनकी प्रार्थना से खुश होकर, तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला या तो मेरे पति को आप जिंदा कर दें या मुझे भी इनके साथ भस्म कर दें। तो फिर शिव भगवान ने अपनी जो अग्नि से इनको भस्म कर दिया था यहीं पे, और यहाँ पे फिर उनका मंदिर है। और बोलते हैं नीचे जगह पानी का, गर्म और ठंडा पानी का झरना है, ये नीचे दिख रहा है। अभी तो पानी काफ़ी कम है, तो यहाँ पर नहाते हैं औरतों के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। तो बोलते हैं एक दंत कथा भी है कि एक गडरिया था जो अपने बकरियों और भेड़ों को चरा रहा था, तो यहाँ पे पानी नहीं रहता। वो उसने भगवान से प्रार्थना की और माता से भी प्रार्थना की, माता अगर यहाँ पे पानी हो जाए तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, इस टाइप से कुछ स्टोरी थी। तो फिर माता ने यहाँ पे बोला, उसको एक लकड़ी दी, बोला आप जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखोगे ये पानी आता रहेगा, वहाँ तक आपका पानी चलता रहेगा। तो इस मंदिर से और गडरिया इधर दौड़ने लगा, उधर जो पानी वहाँ तक आगे तक है। तो गडरिया ने सोचा कि नहीं, वो तो ऐसे ही कुछ मजाक होगा, और जहाँ पे उसने पीछे मुड़ के देखा वहीं पर पानी ख़त्म हो गया। और ये सामने मंदिर आप देख रहे हो, ये मंदिर है। और थोड़ा सा मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ साइड से घुमा के। मंदिर में तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो मैं आपको पूरा अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है नारायणी माता का, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। अलवर से ये मात्र 80 किलोमीटर दूर है सरिस्का जंगल के पास में। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो जैसे मान लो लोग मोस्टली घूमने आते हैं सरिस्का जंगल नेशनल पार्क में, वहाँ आ सकते हो, घूम सकते हो। उसके बाद यही भानगढ़ जो हॉन्टेड प्लेस है वो यहाँ से 10 किलोमीटर ही है बस, 10 किलोमीटर, वहाँ घूम सकते हो। अजबगढ़ का महल है, वहाँ घूम सकते हैं आप। सिली सेट लेक है जो अलवर की, वहाँ घूम सकते हो। तो अलवर के नियर अबाउट जितने प्लेसेज हैं आप वहाँ घूम सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है और लोकल लोगों की काफ़ी बड़ी मान्यता है यहाँ पर। तो अभी हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं, अभी चलते हैं थोड़ा सा इधर से। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मंदिर है यहाँ पे, और ये पानी का झरना, ये देखिए अभी पानी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पानी है, वरना आसपास पहाड़ हैं पानी नहीं है। और ये देखिए ये माता का मंदिर। फोटोग्राफी अलाउड है तो मैं आ गया। जय माता। ये है माता का मंदिर। बस 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 ये देखिए, तो माता का आपको दर्शन करवा दें। और अभी मैं पानी का वो दिखाता हूँ झरना यहाँ से, और जिनके हाथ में लकड़ी दी थी। अब तो ये मैं और इधर तक मंदिर से यहाँ तक वो गडरिया दौड़ता हुआ गया था, और यहाँ पानी है। ये देखिए लोग बाग यहाँ पे नारे, लेकिन अभी तो गंदगी करने लगे, अब सफाई तो नहीं। ये देखिए फिर तो बोलते हैं यहाँ पे चर्म रोग जो भी कुछ होता है तो वो साफ़ हो जाते हैं लोगों के। कितना साफ पानी है यहाँ, आसपास आपको पानी नहीं मिलेगा बट यहाँ पे पानी है अच्छा खासा। ये देखिए कितनी स्पीड से पानी आ रहा है, ये लोग स्नान कर रहे हैं, कितना साफ पानी है। ये देखिए तो साफ सुथरा पानी, लोग पूरा आनंद कर रहे हैं।
ये देखिए बोलते हैं करो रहो रहो निरहो, ये देखिए इतना अच्छा ये मंदिर है। तो यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं और देखो कितना साफ पानी आ रहा है। उधर तो मंदिर के पास दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी गंदगी फैला रखी है। तो ट्रिप पंडित आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो प्लीज़ कम से कम गंदगी फैलाएं, अपने जो धार्मिक स्थल हैं और घूमने की जगह हैं वहाँ पे, और इनको साफ सुथरा रखें। थैंक यू, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।